हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, कल है मंडे, किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है, बिकॉज फ्राइडे पे हम लोगों ने एक हेवी सेलिंग देखी थी मार्केट के अंदर और अब मार्केट की डायरेक्शन किधर हो सकती है, सारी एनालिसिस करते हैं। आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, वो भी शॉर्टर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम तक के लिए जाएंगे। दैट मीन्स कि एक दो दिन पर्सपेक्टिव से लेके एक महीने के पर्सपेक्टिव तक की पूरी स्टडी करी जाएगी और देखा जाएगा कि मार्केट में किस किस तरीके से कौन से लेवल्स पे हम अपना पोजीशंस को बना सकते हैं, वेदर इट्स ऑन अ सेल साइड और ऑन अ बाय साइड। इसके अलावा मैं सिर्फ दो स्टॉक्स ही बात करने वाला हूँ मार्केट से रिलेटेड, और जैसे ही लाइव मार्केट ओपन होगी तो वहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और देखते हैं कि मार्केट कल की किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि मैं निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूँ एंड मैंने अभी वन आवर टाइम फ्रेम यूज करा हुआ है। अगर आप वन आवर टाइम फ्रेम पे स्टडी करोगे सो मार्केट एक क्लियरली रेंज बाउंड के अंदर है। कैसे है, लेट मी जस्ट शो। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर रहती है, इट गेव अ ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन देने के बाद एक गैप डाउन होता है एंड गैप डाउन देने के बाद दोबारा मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है एंड अगेन इस रेंज बाउंड के बाद दोबारा एक गैप अप होता है एंड उस गैप अप पे मार्केट दोबारा एक रेंज। अब यहाँ पर जनरली हम क्या देख रहे हैं, जो अभी गैप अप के टाइम पे ब्रेकआउट आया एंड इट क्रिएटेड अ वेरी गुड रेंज, इसने सबसे पहले एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, जो बहुत अच्छे मल्टीपल सपोर्ट्स थे उसका फॉल्स ब्रेकडाउन दिया एंड आफ्टर दैट एक अच्छी रिकवरी दिखी और एक फॉल्स ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। उसी लेवल से एक ब्रेकआउट दिया एंड अ वेरी गुड गैप अप का ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बाद अगेन एक फॉल्स ब्रेकआउट पे वो कन्वर्ट हो गया। सो अभी रिसेंटली मार्केट इज डूइंग, पूरा एक साइडवेज मार्केट है। बेसिकली आपको ये समझना है कि ब्रेकआउट भी नहीं होना चाहता ना ब्रेकडाउन होना चाहता है, पूरा साइडवेज काम कर रहा है। तो ये बेसिकली एक स्कैल्पिंग ट्रेड अगर हम लोग लेते हैं कुछ फ्यू मिनट्स का या फ्यू मिनट्स के अगर हम लोग ट्रेड्स लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर विद लिमिटेड पॉइंट्स अगर हम कैप्चर करें तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की नेकेड पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं तो वहां पर उल्टा इवेंचुअली अगर हम प्रॉफिट पे हैं तो थोड़े टाइम बाद हम लोग लॉस पे आ जाते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि जब तक मार्केट एक स्टेबलाइज कंडीशन में नहीं आती है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जितने दिन तक ये साइडवेज रह चुकी है अब एक मोमेंटम है, वेदर ऑन अ सेल साइड वेदर ऑन अ बाय साइड, एक फॉल आया ब्रेकआउट आया बट एक मोमेंटम कैरी ऑन है कि एक हफ्ता लगातार उसी मोमेंटम पे वो काम कर रही है और वहां पे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं रादर देन दिस साइडवेज मूवमेंट पे। तो मेरे हिसाब से अभी एज अ स्कैल्प ट्रेड अगर आपको लगता है या एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है सो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पीरियड आप जाओ वहां पर एक स्कैल्प ट्रेड लो, एट द मनी का बाय करो एंड कुछ पॉइंट्स कैप्चर करते ही आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। अब ये जो फॉल्स आया था ब्रेकडाउन आप इस पॉइंट को भी पूरा कैप्चर कर सकते थे अगर आप एज अ स्कैल्प ट्रेड लेकर चलते हो। ओके, सो अब किस तरीके से रिएक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मार्केट का हम लोगों ने अर्ली टाइम फ्रेम तो देख लिया है एंड इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। हम लोगों ने ये देखा था कि ये पर्टिकुलर लेवल था जिससे एक बहुत बड़ी फॉल आई थी, इसी लेवल से इसने रीटेस्ट लेने की ऊपर कोशिश करी एंड यहीं से गैप डाउन भी देखने को मिला था। इसी लेवल पे मल्टीपल रीटेस्ट थे, इसका ब्रेकआउट दिया था जो हमें बहुत अच्छा लगा था एंड थर्सडे को ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि एक बड़ी मोमेंटम आएगी और वो एक गैप अप के थ्रू आई थी एंड उसके बाद एक शॉर्ट सेलिंग में वो बदल गई थी। बट डोंट वरी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेस्ट सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है दैट शुड बी अराउंड 16,500 रुपीज का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग और नीचे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा लेवल जिससे अगर वो लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग देखने को मिल गई तो वहां पर हम लोग ऑलमोस्ट 400, 500, 600 पॉइंट और बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। सो हम लोग उसे और हायर टाइम फ्रेम पर स्टडी करते हैं। सो लेट्स होप हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम स्टडी करते हैं, हम लोगों ने अर्ली तो स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो क्लियर इट्स साइडवेज एंड यहाँ पर आप देखेगा क्यों ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अ वेरी गुड रेंज का ब्रेक डाउन एंड इट गेव अ इनसाइड कैंडल, इसी लेवल पे दो हफ्ते पॉज करा एंड आफ्टर दैट अ वेरी गुड गैप डाउन। अब यही लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट था एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आई डोंट नो अबाउट दिस कैंडल स्टिक पैटर्न, आई थिंक ये मॉर्निंग स्टार होता है शूटिंग स्टार होता है, नाम में मैं हमेशा कन्फ्यूज रहता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न को, बट जो भी है आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इट्स अ वेरी गुड गैप अप, इसी लेवल पे ओपन हुआ एंड वहीं से हम लोगों को नीचे एक फॉल देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज स्टडी करें तो मैं इस जोन को अगर थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं वाई मैं आई विल लेट यू नो और मैं इसको नीचे कर देता हूं यहां तक, ठीक है। क्यों, आप देख सकते हैं यस इट्स अ वेरी गुड बुलिश कैंडल मूवमेंट, उसके बाद हम लोगों ने गैप अप देखा और ये नीचे आया है, बट इस कैंडल का जो मिड पॉइंट है दैट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता
तब तक हम लोग मार्केट के अंदर स्टेबल है। अगर ये लेवल को छूता भी है तो भी हमें डरने की बात नहीं है, हम तभी सेल नहीं करेंगे। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मार्केट अगले दिन भी गैप डाउन, अगले दिन भी एक फॉल्स मतलब एक फॉल कर सकती है, तो वहां पर हम पूरी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। जो जो मैं लेवल्स बताऊं उनको कॉपी में नोट करते रहो, बिकॉज यहां पर आपको इंस्टेंट ट्रेड मिल सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर पैसा कमाने का, ठीक है। सो यहां पर हम लोगों ने देख लिया एक अच्छा मोमेंटम आया आफ्टर अ वेरी गुड गैप अप आया, जिसे हम इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर जाके गैप अप आया, विच इज अ गुड साइन, ठीक है। तो यहां पर गैप अप का रीजन बेसिकली मैं ये मान के चल सकता हूं कि देयर आर पुट राइटर्स एक्टिव, देयर आर बायर्स एक्टिव और ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं, बट सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। बट बायर्स ऑन अ लोअर लेवल्स अपने आप को और पुश कर रहे हैं ऊपर लेकर जाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली अभी दोनों के बीच में फाइट चल रही है, तो ज्यादा डाउनफॉल ज्यादा अप मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं टाइम से, ठीक है। सो बेसिकली लेवल मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज 16,550 रुपीज का जो लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है दैट शुड बी डिस्टर्बिंग, और तब हम लोग अपना एक शॉर्ट ट्रेड मार्केट के अंदर ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक बार ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ओके, सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप सबसे पहली चीज एक क्लियर देखेगा, एक फॉल आया था, फॉल में यहां पर दोबारा ये कैंडल्स देख रहे हैं इनडिसाइसिव कैंडल्स, इनडिसाइसिव कैंडल्स के बाद इट क्रिएटेड अ वेरी गुड गैप डाउन एंड एक बहुत अच्छा मुझे फॉल देखने को मिला। लेट्स मी ओपन दिस फिबोनाची एक्सटेंशन, ये टॉप है एंड ये मेरा बॉटम है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू इज आई विल रिमूव एवरीथिंग, ठीक है। सो अगेन नाउ लेट्स क्रिएट अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो हम लोगों ने जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्रिएट करा तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि यहां पर ये 38.2% 0% रिट्रेसमेंट है, यहां पर अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पर चेक करोगे कि इसका जो मेजर हर्डल होगा, वो मेजर हर्डल जो फेस करेगा वो एग्जैक्टली इन लेवल्स के आसपास, दैट इज 16,800 टू 16,900 का, विच इज वेरी फार, विच इज वेरी फार, हम लोग वहां पर प्री एंट्री ले सकते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स कि मार्केट साइडवेज बहुत टाइम से काम कर रही है, ये मंथ ऐसा है या तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा या तो यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। यही मंथ की मैं बात करूँ, आई एम नॉट सेइंग एक बड़ा रिवर्सल आएगा, वो आ सकता है बट वो बात की बात है, हमें इतनी दूर की बात नहीं करनी है। बट आई थिंक कि एक बुलिश कैंडल ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम हम लोगों को देखने को मिल सकती है, या एक अच्छी बियरिश कैंडल हम लोगों को देखने को मिल सकती है, हमें कुछ ऐसी कैंडल्स विक वाली देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ओके, व्हाट शुड वी डू नाउ, यहां पर हम लोगों ने क्लियरली देख लिया है कि ये दोनों मार्केट रेंज बाउंड थी एंड आफ्टर दैट अ गैप अप, और गैप अप पे अपने रेजिस्टेंस पे इट क्रिएटेड अ डोजी। अब नाउ देयर इज वन थिंग, कल अगर गैप डाउन देखने को मिलता है, और अगर जैसे ही गैप डाउन देखने को मिलता है वो गैप डाउन अगर 16,000 व्हिच लेवल इज दिस 520 जिस लेवल पे ये ओपन हुआ था, आप ये चेक कर सकते हो इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है, इस ओपनिंग प्राइस के नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 16,520 के नीचे जाके अगर ये जाना स्टार्ट करता है, एक गैप डाउन हमें क्लियर बेसिस पे देखने को मिलता है और नीचे कल की हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, देन इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि लगातार दो दिन तक मार्केट बियरिश रहेगी। मेरा मोटिव ये आप लोगों को बताने का कि कल की मार्केट से हम अपने अगले दो दिन की मार्केट का प्लान कर सकते हैं और ओवरनाइट पोजीशन भी कैरी ऑन करके चल सकते हैं, ठीक है। सो पूरी डाटा को ध्यान से समझेगा, यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि ये इसने अपने रेजिस्टेंस पे एक डोजी क्रिएट करी है, एक रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया है, उस ब्रेकआउट से हमें कोई मतलब नहीं है अगर वो सस्टेनेबल और एक वेल प्रूफ ब्रेकआउट ना हो, ठीक है। सो फ्रॉम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर कल एक गैप डाउन आता है और वो गैप डाउन सस्टेन करता है, लेवल्स नीचे जाके क्लोज करते हैं इन दी एंड, तो हमारे लिए क्लियर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दोबारा फिबोनाची क्रिएट करेंगे, बट क्रिएट करेंगे फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस पर्टिकुलर टॉप, जो ये लेवल का टॉप है, एंड जो हम अपने टारगेट सेट करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस एंड दिस, ये हमारी रेंज होगी, ठीक है। इस रेंज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट रेंज शुड बी अराउंड 16,270 टू 16,400 रुपीज का, क्लियर टारगेट्स हमें ये देखने को मिल सकते हैं, इंस्टेंट टारगेट्स हमें ये देखने को मिल सकते हैं, सो इसको ऑब्जर्व करके जरूर चलना। सो अब बात हम लोगों ने तो जरूर निफ्टी की करी लिया है, अब एक बार बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं एंड उसको भी स्टडी कर लेते हैं। चलिए, सो बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी भी दोबारा आप क्लियरली देख सकते हैं एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था एंड इस रेंज का भी इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था एंड ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा था, एक रैली भी हमें अच्छी देखने को मिली थी एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी एक गैप अप खुला, उस गैप अप पे ही वहां पर एक सेलिंग आ गई थी
और वहां पर एक रेंज बाउंड बन गई थी और उस रेंज का फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया था फ्राइडे के सेशन पे। सो फ्रॉम माय साइड बैंक निफ्टी मोमेंटम कर रहा है बट निफ्टी मोमेंटम ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम बात करें साइडवेज की तो साइडवेज पे हम पैसा अगर कमाना चाहे तो निफ्टी के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से कमा सकते हैं और बैंक निफ्टी पे हम लोग एज अ नेकेड ऑप्शंस भी बाय करके एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं कुछ मिनट्स के लिए और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। ओके, सो हमें एक चीज पता चली है कि ये जो लेवल है दिस पर्टिकुलर लेवल ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं 35,200 से लेके 35,350 तक का, अब इस लेवल पे हम लोगों को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है देन नेक्स्ट टारगेट क्लियर टारगेट दैट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज 34,800 इज गोना बी आर नेक्स्ट टारगेट अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है। अब 34,800 के अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करता है तो हम लोग वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसका अभी मैं फ्यूचर का डाटा ओपन करता हूँ चार्ट्स एंड उस पर मैं आप लोगों को ना आई थिंक मुझे लगता है मैं क्लियरली सिखा पाऊंगा। या सो ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट्स व्हाट वी डू इज लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग, ठीक है, और लेट मी यूज अ मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर, ठीक है। सो ऑन मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर व्हाट इज सजेस्टिंग इज कि ये एक लेवल है 34,500 एक लेवल है जहां पे अगर ये आना स्टार्ट होता है तो या तो 34,800 पे रुकेगा या 34,500 पे रुकेगा। दोबारा चल लेते हैं अपने बैंक निफ्टी में बिकॉज बैंक निफ्टी के सिंपल चार्ट्स पे स्पॉट प्राइस के चार्ट्स पे हम लोग मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर नहीं लगा सकते। तो अब दोबारा समझिएगा, ये आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक रेंज बना रखी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इट्स अ वेरी गुड गैप अप अगेन यहाँ पर कंसोलिडेट एंड इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट। सो ये लेवल है, अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है फॉर एग्जांपल कल हम लोग देखते हैं कि 34,5180 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है, ठीक है, क्लियर बेसिस पे हम लोगों ने एक सिंपल ऊपर के कॉल्स को शॉर्ट करना है या अगर थोड़ा सा बढ़िया ट्रेड लेना है तो आप पुट्स ऑप्शन बाय कर सकते हो। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा 34,830 के आसपास का, जैसे ही वो टारगेट हिट हो जाएगा अपने कुछ लॉट्स एग्जिट कर देंगे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेंगे अपने कॉस्ट प्राइस पे। हम वेट करेंगे क्योंकि अगर वो लेवल से वो बाउंस करता है देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं करता देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी 34,500 एंड इन्हीं लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी स्टॉप करेगा, ठीक है। सो याद रखिएगा जो इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे अगर वो नीचे आता है इट्स नॉट गोना बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस की जगह उसे अगर यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है सॉरी तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे एज अ फॉल्स ब्रेकआउट हम बोल नहीं सकते, ठीक है। आई होप आप ये वाला पॉइंट मेरा समझ गए होंगे एंड एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी स्टडी कर लेते हैं। सो ऑन डेली टाइम फ्रेम व्हाट आई एम सीइंग इज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस लाइन। सो आई ड्रॉ दिस लाइन पर्टिकुलरली आप यहाँ चेक करिएगा एक रेंज बाउंड थी मार्केट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट शो यू फॉल आया एक रेंज बाउंड में गई मार्केट, ठीक है। इसके बाद अगेन एक गैप डाउन आया एक रेंज बाउंड में गई मार्केट, अगेन एक गैप डाउन आया एक रेंज बाउंड में गई मार्केट, एक गैप अप आया अगेन गई एक रेंज बाउंड में मार्केट। अब सिंपल आप ये पॉइंट समझेगा कि वेरियस टाइप्स मतलब पूरे महीने महीने तक मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है और वो रेंज भी प्रॉपर नहीं होती है कि ऊपर टेस्ट कर रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे वर्क कर रही है, वो बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हल्का से नीचे आता नीचे रिजेक्शन मिलकर ही ऊपर चले जाता है, ऊपर ब्रेकआउट की तैयारी में दोबारा नीचे आ जाता है नीचे रिजेक्शन मिलकर मिड से रिवर्स कर देता है एंड इधर। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस गाइज बिकॉज इस रेंज पे जो जिस तरीके से बन रही है वहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा जाने का डर है और वहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम बार बार रिपीटिंग कि स्कैल्पिंग इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी कैन डू एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो नाउ व्हाट अगेन एक गैप अप है, गैप अप पे अगेन एक रेंज है, बट हम लोगों ने एक चीज तो हमेशा देखी है कि जब भी एक फॉल आता है और गैप डाउन क्रिएट करता है तो ये नीचे जाता है, ठीक है। अगेन गैप डाउन पे ये दोबारा रेंज बना के नीचे जाता है और नीचे में दोबारा रेंज बना के, बट अब इसने ब्रेकआउट दिया है ना कि इसने गैप डाउन दिया है, ठीक है। इसने सॉरी इसने फॉल नहीं करा, इसने एक अपमूव दिखाई है और तब ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम पर्सनली सजेस्टिंग यू कि अगर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना, शायद हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए और यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम भी देखने को मिल जाए, ठीक है। आई एम नॉट biased in selling side or on a buying side कि मैं biased हूँ, मुझे पता है दिखा रहा है कि यहाँ से गिरावट आने वाली है यहाँ से एक अपमूव आने वाली है, मुझे अभी चार्ट्स कुछ भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है।
ठीक है, तो फ्रॉम माय साइड वी हैव टू ऑप्शंस, वेदर टू इट गिवन इट्स गिव अ ब्रेकडाउन, वी विल शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 34,800 टू 34,500, अदरवाइज वी विल वेट फॉर अ रिवर्सल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सपोर्ट और अ रेंज लेवल एंड वी विल वेट फॉर अ वेरी गुड प्राइस एक्शन ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम एंड देन वी विल एंटर फॉर द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीसेंट हाई दैट इज 35,900 रुपीज का. ठीक है, सो दैट्स इट. एक बार चेक कर लेते हैं यार ओपन इंटरेस्ट डाटा और वीकली टाइम फ्रेम फॉर निफ्टी. सो यहाँ पर हम बेसिस को अगर चेक करें तो 16,500 इज अ वेरी गुड सपोर्ट एज अ पुट राइटर्स इज ऑलमोस्ट अराउंड 3.6 मिलियन. ओपन इंटरेस्ट डाटा इज हियर, सो बेसिकली बहुत अच्छा है और इसी लेवल के नीचे हमें शॉर्ट भी करना है. नेक्स्ट इज नॉट एट 16,400, नेक्स्ट इज एट 16,300. सॉरी बाबा, मैं बैंक निफ्टी को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें. सो रिमेंबर दैट अगर कल गैप डाउन आता है तो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्योंकि वो गैप डाउन अगर आया ना, ह्यूज गैप डाउन, तो वो मार्केट पूरा साइडवेज है. कल के दिन भी मार्केट साइडवेज ही रहेगी, ठीक है, उस गैप डाउन में. सो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि एक घंटा हम पेशेंसली वेट करेंगे, जो भी एक घंटे का हाई होगा और जो भी लो होगा उस पर हम लोग अपना एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं. ठीक है, हम ऊपर के कॉल्स या नीचे के पुट्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं. बट अगर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होता, इन्हीं लेवल्स पे ओपन होता है, तो कल एक रैली भी मिल सकती है ऑन अ ब्रेकडाउन साइड और ऑन एन अपसाइड. बैंक निफ्टी का अगर एक बार चेक कर ले तो बैंक निफ्टी में हम देखें तो 35,500 एज अ पुट राइटर्स भी ऐड है और कॉल राइटर्स भी ऐड है, या मेजर डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है. बट मेरे हिसाब से अगर ये 35,500 के ऊपर जाता है, तो मैंने आपसे अभी बोला था ना कि एक अपना खुद का बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है लाइक दिस, ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है. सो दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर ये 35,500 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट. ठीक है, मैंने आपसे बोला था यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा तो हम यहाँ टारगेट के लिए बाय करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट डाटा हम लोग 35,500 के ऊपर बाय कर लेंगे. सो बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस आया हो आपको पसंद नहीं होगी, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बनी है, बट सारी नॉलेज पूरे महीने की मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया. अब कुछ स्टॉक्स हैं मुझे देने तो नहीं चाहिए बिकॉज आई एम नॉट दैट श्योर. मैं चाहता था कि मैं लाइव मार्केट पर ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ, बट डोंट वरी, लेट मी गिव यू. इतने समझदार आप लोग हो कि कैसे ट्रेड लेना है आपको पता होगा. ठीक है, ओके, सो माई फर्स्ट स्टॉक इज JTL इंफ्रा. So let me just remove the volumes and my first stock is JTL Infra and clearly आप देख पा रहे होंगे मैंने three horizontal lines create करी हैं, that is first, second and third. Last और जो top की है उन दोनों का भूल जाओ because that's the range. अब आते हैं इस mid वाली line पे. इस mid वाली line का importance role है. Role क्या है कि अगर हम जब भी देखते हैं इस mid वाली line के नीचे कभी भी ये stock होता है और जब भी इसके ऊपर breakout देता है तो हम लोग हमेशा अपने इस level को expect करते हैं, top line को. आप देखोगे इधर ब्रेकआउट दिया, इट हिट द टारगेट. ये फर्स्ट टाइम नहीं निकला, सेकंड टाइम नहीं निकला, थर्ड टाइम नहीं निकला, फोर्थ टाइम निकला एंड उसने अपने टारगेट को हिट करा. नाउ अगेन ये नीचे आ गया और अब पेशेंसली वेट कर रहा है इसके ऊपर जाने का. सो अगर ये इसके ऊपर जाता है हम लोगों को एक अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं. सो अभी करंट प्राइस चल रहा है दैट इज 226 रुपीज का JTL इंफ्रा. हम लोग बाय कर सकते हैं अबव 228 एंड फर्स्ट टारगेट या ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 236 to 240 रुपीज का. ठीक है, तो एज अ JTL इंफ्रा मान के चल सकते हो. इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक इज लोधा. आप लोधा को भी चेक करके चल सकते हो. लेट मी जस्ट शो यू. सो लोधा स्टॉक इज डूइंग वेरी वेरी गुड एंड ऑन अ जब मार्केट ऑन अ साइडवेज ट्रेंड कर रही है ये एक्चुअल में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है. आई पर्सनली थिंक ये लोधा का जो इसने पर्टिकुलर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा है, एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है, ये बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता है. प्लीज मेक श्योर इसको आप वॉच करो. एंड अभी तो ये छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस है जिस पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो इसी लेवल पे इसने पॉज लिया था, इसी लेवल से ब्रेकआउट दिया था एंड यही इस बड़ी फॉल का मिड पॉइंट है. ये जैसे इसके ऊपर जाता है दैट इज 1100 के ऊपर जाता है एंड 15 मिनट्स या 5 मिनट्स की क्लोजिंग देता है, वी कैन एंटर विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 1180 रुपीज का. मेक श्योर यू वॉच लोधा एंड JTL इंफ्रा. हैव अ गुड डे गाइस, मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज कल एक बढ़िया चीज आने वाली है. डू चेक आवर कम्युनिटी ऑल्सो इन द यूट्यूब और हमारे इंस्टाग्राम को भी आप जाके ज्वाइन करो बिकॉज समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग अप. कल मैं ये वीडियोज नहीं बनाने वाला, कल मैं आपके साथ एक अच्छी वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसके साथ हम आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाने वाले हैं. सो स्टे ट्यून फॉर गाइज टुमारो. कल रात को 9 बजे आप लोगों को बहुत सारा कुछ मिलने वाला है एक्साइटिंग. बाय बाय.